लो भाई सजनों मित्रों बेलियो किदा जी सारे ठीक ठाक हो तो अज की वेखन जा रहे हैं बाजवा साहब अज असी डिफरेंट वीडियो वेखन लगे हैं पहलो कभी यह जी वीडियो नहीं वेखी आप तो वह जी सलमान तो दिलजीत 10 कदम प्रोग्राम वो आए सुन अच्छा उन्होंने आपस कोई गपशप की 10 कदम सलमान खान का प्रोग्राम है ना डी के डी माफ़ी क्यों मंगी वैसे नवी चीज देख रहे हैं ना डिफरेंट चीज देख रहे हैं आहा पता पहले मतलब ऐसी प्रोग्राम नहीं देखा पता नहीं होता चलो बाकी देखने हैं जी की है 10 का दम स्टेज तो जान तो पहले ही ऐसे कर दिया आपका पहला सवाल यह है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को लट्टू घुमाना नहीं आता है व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस डोंट नो हाउ टू स्पिन अ लट्टू लट्टू हो जाते हैं लेकिन घुमाना नहीं आता जैसे कि जी सर सर आ रहा है इशारा इधर आ रहा है आपको आता है पहले आता था जब आपने खेले तो क्रिकेट थे और बैट और बॉल के साथ बट कोशिश कर सकते बस क्रिकेट ही खेले डॉक्टर डॉक्टर वगैरह नहीं खेले आप अरे हाउस हाउस डॉक्टर डॉक्टर आप खेले हो अरे ये लीजिए लट्टू हो जाइए ये थोड़ा शहरी लट्टू है सर थोड़ी स्टार्ट करो आप अरे सर चलो दिलजीत भाई पहले आप नहीं सर आपसे पहले कोई नहीं कर सकता जी सर मेरे से पहले कोई नहीं कर सकता लट्टू सर मैं कर चुका हूँ ये आइए अबे उड़ जा ये ऐसे जाएगा तो पम पीछे आ जाए इसका कील काफी नोकीला है ये लो एक हट ही नहीं रहा सर अभी तक रुके नहीं रहा आपका लट्टू उल्टा लट्टू सर मेरे ना एक थिंकिंग में यह आया कि किसी चीज की प्रैक्टिस ना कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए आइए तो आपका पहला सवाल था कि कितने प्रतिशत भारतीयों को लट्टू घुमाना नहीं आता थैंक यू बाजी रेडी हैं आप जी सर ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो अंगद पाजी लगाए 25% पर और दिलजीत पाजी लगाए 60% पर आज देखते हैं कि कौन ये 20,000 रुपए और ये पॉइंट जीतते हैं कम ऑन रोलू द गोलू बड़ी जल्दी घुमाया इतना फर्क हमारी सोच नीचे नीचे चलो अंगद पाजी 20,000 और एक पॉइंट जीत चुके हैं और आप जी शून्य पे जी तो जो भी हारता है उसको गाना गाना पड़ता है सो इजी सो इजी सो इजी डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करदा डू यू नो मैं तेरे उत्ते कितना मारदा डू यू नो तेरे लिए मैं तो पिंड छड्डता डू यू नो तेरे लिए लोकां नाल लड़दा डू यू नो Do you know? Do you know? Do you know? चलिए आपका दूसरा सवाल यह है प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने दिल टूटने पर कभी हिंदी फिल्मों के दुख भरे गाने सुने हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग आफ्टर अ हार्ट ब्रेक एटलीस्ट वंस
100% दिल टूटने पर आप क्या करते? मैं दिल टूटा नहीं सकता। नहीं हम दिल रखते नहीं टूट जाए शेख रशीद। मैं दिल टूटने पर भांगड़ा लगाता हूँ। सुरमा में ऐसा कोई गाना है? सैड सॉन्ग तो नहीं है। सैड सॉन्ग है बना दो। हाँ हाँ जी है। हाँ इश्क दी बाजियां जीतियां ना हारियां जान से लग गई जान की यारियां तो आप दोनों के पास 15 सेकंड है। और मार्क्स के सर वेरी गो। उन्होंने कितना दिया? अरे दोनों ही अस्सी पर है। लगा गया अस्सी का कमाल हो गया यार। आपने देखा भाजी? नहीं ये कैसे हो गया? अब दो नहीं नहीं सही कैसे हो गया? ना रुको 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 अब तो इसके अंदर ना सेम हो गया तो दोनों ही ये पॉइंट जीतते हैं। तो जो आप 60,000 रुपए कमा के जा रहे थे अब कमा के जाते हो 80। अच्छा पैसे साढ़े बढ़ गए? पैसे बढ़ गए। तो दोनों ही ने लगाया है 80% पर। अब आए देखते हैं कि रोलू द गोलू एंड भारत की सोच कहां पर जाके टिकती है। बाकी के रैप सुन आपका तीसरा प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी चोरी छुपे घुसकर किसी और की शादी में खाना खाया है? ये लोग हैं, बहुत लोग हैं। कितने परसेंट में? यहाँ ही हो गए सारे। मैं तो दो बार खड़े गए भाई। आप में से हैं? आप में से कितने? 1.5 करोड़ दी बात है मतलब। आप लोगों ने खाना खाया? चोरी छुपे मुफ्त खोर। What percent of Indians have at least once sneaked into a stranger's wedding just to eat? जैसे जब मैं वर्कआउट किया करता था तो वहां पर वो शादियों के लिए वो देते थे वो जगह। तो हम एक कॉर्पोरेट इवेंट में चले गए, सब सूट में थे हम लोग, फटी हुई जीन्स और जूते और टी शर्ट में गए वर्कआउट करने के बाद, हमको वहां से फेंक दिया गया। फिर हम इतने बेशर्म थे कि वापस आए। हाँ बोला सर कैसे अब इतने बड़े बड़े लोग हैं कॉर्पोरेट वाले हो, यू नो वी आर रियली हंग्री कैन वी ईट? तो हंस दिया से हाँ खाना खा लो जाओ। आप कभी पकड़े गए? मैं गया बहुत हूँ, पकड़ा कभी नहीं। नहीं क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा खुश होता था शादी में और सबसे ज़्यादा डांस करता। तो आप लोगों के पास है 15 सेकेंड। निमार्क कैसे रेडी गो। ऐसे तो ये गेम 10-12 साल चलेगी। हां सर ऐसे तो हम आप अपने रोज बुला लो, हम रोज आ जाएंगे। दिस इज अमेजिंग, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। पहले इन्होंने 80% पे लगाया दोनों ने, अब दोनों ने जाके 60% पे लगाया एंड दोनों को ही पता नहीं कि कौन कितने पे लगा रहा है। बिल्कुल हां हमें सोनी और बुलाओ तो सुरमा को और बुलाओ। अरे बाप रे बाप। अब दूसरे साउथ के एक्टर कमान रोलू तो गोलू।
100% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चोरी छुपे बट देखो हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड देखो सर, बाकी के लोग सर नहीं खाया, नहीं खाया फिर वो तुहानू पता है कि वो दूल्हा साहब जिहड़े ने आके मिलदे ने बलीमे वाले दिन रिसेप्शन दे उत्ते सारे मेहमान आ हुण साडे टेबल दी बारी आ गई नाल जीवला ओदा आबा होवे ते नाल मुंडा होवे हांजी आपणे मिलो ए तकला साहब ने आपणे सारे वारी वारी मिलिया अच्छा बड़ी खुशी हुई उहने हुण आख्या जी बड़ी खुशी हुई तुसीं सारे आए हो बड़ा मैं कहना मैं बहुत वधिया मतलब मजा आ गया कि हाई साहब सारे बंदे मतलब सारे तुसीं आए हो फैमिली जिहड़ी आ अच्छा बई ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਬੇਬਾ ਹਲਵਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤਗੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪੋਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਹਨ ਉਹ ਭਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇਰਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਭੁਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਬਰ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਜੇਬੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਦੋ ਕੱਪ ਫੜਾਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਚ